ये बटन, ये शायद मैंने कहीं देखा है। चाचा, इसमें ना पापा का एक पुराना कोट है। हाँ, उनका बर्थडे आ रहा है। हाँ, एक नया कोट गिफ्ट करना चाह रही हूँ। हाँ, इसी साइज का एक नया कोट बना दीजिए ना। ओके बेटा, मेरे पास बहुत सारे बटन हैं। इसमें से आप बटन पसंद कर लीजिए। इसमें से जो भी बटन लगाना है ना, मैं लगा लूंगा। ठीक है। उस दिन जब तुमने मुझे बटन दिखाया था तब मुझे याद नहीं आया, पर आई एम श्योर वो बटन मैंने इसी दुकान पे देखा था। देखिए बेटा, ये बटन है मेरे पास। और कोई बटन है क्या? नहीं, बस इतने ही है। ये वाला बटन है आपके पास? अरे बेटा, ये तो पुराने जमाने के बटन है, आजकल इसे कोई नहीं लगवाता। थोड़े बहुत बचे थे मेरे पास, एक ओवरकोट में लगा दिया मैंने। आपने किस आदमी के ओवरकोट में लगाया है ये? आदमी नहीं, औरत के ओवरकोट में लगा दिया। आपको पक्का है कि वो एक औरत ही थी? हाँ, अभी बस कुछ दिन पहले तो लगवाया था। 3 जून को। 3 जून? 3 जून को तो मेरे ऊपर वार हुआ था। आप हमें उस औरत का पता दे सकते हैं? एड्रेस बुक लाइए। हाँ हाँ। उसने नाम बताया था KR, पर पता नहीं बताया था उसने। मोहल्ला और गली नंबर लिखा है। दिखाइए। मंजिल मोहल्ला गली नंबर 16 /11 / ये तो हमारा पुराना वाला मोहल्ला है जहाँ हम रहते थे। MLA अंकल के स्टाफ क्वार्टर में शिफ्ट होने से पहले हम यहीं रहते थे, इसी मोहल्ले में। इस मोहल्ले में ना मेरा पूरा बचपन बीता हुआ है। यहाँ कुछ घर और बचे हैं। ये वाला चरण को भी चल के देखते हैं। अरे बेला, तू यहाँ कैसे? बहुत दिनों बाद दिखाई दी। जी काकी, वो किसी काम से आई थी। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। सुना है तूने शादी कर ली है बड़े घर में? लव मैरिज की है क्या? हेट मैरिज? नहीं काकी, अरेंज मैरिज की है। हाँ, फुल्ली प्लानिंग के साथ। काकी, एक चीज बताइए, आपके इस मोहल्ले में आपने कोई ऐसा आदमी या औरत देखी है क्या, जो बहुत अजीब से कपड़े पहनता हो, काला काला सा, लॉन्ग कोट, वो लंबा वाला कोट होता है ना, फेस पे मास्क हो, ऐसा कुछ? नहीं बेटा, यहाँ तो कोई ऐसा नहीं देखा, लेकिन वो घर, वो बहुत अजीब है। वहाँ हमेशा रात को लाइट जला करती है। रात को कोई आता भी है, लेकिन दिन में कभी किसी को नहीं देखा। थैंक यू काकी। हाँ, ये तो वही घर है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। चलो और देखते हैं। Thank you.
रानव यहाँ तो कोई भी नहीं है। पर उनका पोस्ट तो रात में आता है ना। हाँ लेकिन कुछ तो होना चाहिए ना, उसका कोई कोट या कोई सुराग कुछ भी नहीं मिला यहाँ तो। इस मोहल्ले में मेरा आने का ये फैसला ही गलत था, और वैसे भी इतना शाते नकाबपोश इस छोटे से मोहल्ले में क्यों रहेगा। चलो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ? हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे पंडित जी यहीं रहते हैं ना, मैं उनसे मिलने के लिए आई थी, तुम्हें देखा तो यहाँ आ गई। लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ इस घर में? मैं वो रानव को मोहल्ला दिखाने आई थी। अच्छा। कि मैं कहाँ रहती थी और हम यहाँ कितने खुश थे ना, अब वो सारी खुशियाँ गई। देखो बेला, मैं जानती हूँ जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम्हारे अच्छे दिन नहीं जा रहे हैं, इसलिए तो मैं पंडित जी के पास आई थी, तुम्हारी कुंडली दिखाई उन्हें। पंडित जी ने कहा कि आने वाले थोड़े दिन भारी हैं, संभालना हाँ बेला। और हाँ पंडित जी ने ना ये दो अंगूठी भी दी है, ये लो इसे पहन लो। लाओ मैं पहना देती हूँ। लो रानव तुम भी पहन लो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। ठीक है माँ, चले चले हम। चलो शाली राक्षस प्रथम, और वो शातिर राक्षसी पाताली और बेवकूफ राजपरी देवलेखा, ये तीनों दिग्गज कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि मैं इन तीनों की अम्मा हूं। यही एक चीज जो मैं परीलोक से ला सकी जब उन्होंने मुझे धरती पर फेंक दिया था, ये कंगन मेरी एकमात्र धरोहर, आगे सब कुछ मुझसे छीन लिया, और जोड़े का एक कंगन भी खो गया। आप? नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं जानता हूं आप कौन हो, मुझे मत मारो, मैं सबको बता दूंगा, मुझे मत मार, मुझे मार! Oh!
उस दिन मुझे वो मिला, सबसे बड़ी शक्ति, मेरा मकसद। ऐसा लगा जैसे मेरे सारे सपने सच हो रहे थे। आखिरकार मुझे ये मिल ही गया। मिल क्या मुझे ये? एक बार और दुश्मन के अंत का शक्तिशाली हथियार। मुझे नहीं पता तुमने मुझसे ये सब क्यों करवाया, पर मैंने किया। मैंने तुम्हारे कहने पर अश्वथ को मार दिया। ये लो। सबसे दिव्य अस्त्र असी अस्त्र। अब हम दोनों राज करेंगे। मेरी एक गलती और मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया, लेकिन अब कोई गलती नहीं होगी। अब सिर्फ मकसद पूरा होगा। तुम लोग मुझे पकड़ना चाहते हो? नहीं, नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि मैं तुम सबसे 10 कदम आगे हूँ। रानव, तुम्हें तो पताली ने बताया ना कि अश्वथ को एक परी ने मारा था। तू उस जंगल में क्यों गया था? क्योंकि थिएटर में मैंने आज एक औरत को देखा, उसके बाद में पार्किंग लॉट में भी। उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उसके हाथ में वही परी वाला कंगन था जैसा आपने मुझे दिखाया। हो ना हो, ये वही परी है जिसने अशोक को मारा है। मैं उसका पीछा करते हुए जंगल तक गया, लेकिन जंगल में वो गायब ही हो गई। लेकिन क्या तुझे लगता है कि वो वही परी है? हाँ, वो हमारे कहीं आसपास ही है। मैं उस परी को जान से मार दूंगा। तुम मुझ तक पहुंचो इससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगी रानव, और मार भी देती। लेकिन कभी बेला ने तुम्हें बचाया और कभी मेरी बदकिस्मती ने। अब मेरा निशाना नहीं चूकेगा। अब तो मैं राजपरी को भी मार दूंगी। हाँ, राजपरी नहीं मानती उसे बेटी, नहीं करती मैं तुमसे प्यार। हाँ, मैंने तुम्हें अपने कोख से जन्म जरूर दिया है, क्योंकि वो परी माँ की बेटी थी। धरती पे तो उसे जन्म लेना ही था। मैं राजपरी देवलेखा से इतनी नफरत क्यों करती हूँ, ये एक बहुत बड़ा राज है। ये तुम कभी नहीं जान पाओगी। बेला को नींद नहीं आ रही है, गरम गरम दूध पिएगी तो आराम से सोएगी।